शनिवार को दोपहर मंगला क्लिनिक नर्सिंग होम के ऊपरी हिस्से में एसी फॉल्ट होने से अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना मनासा फायर ब्रिगेड टीम को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड का पानी का पाइप खराब होने से मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में नगर परिषद की लापरवाही सामने आई। नगर के मंगला नर्सिंग होम की दूसरी मंजिल पर कमरे में लगी एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग के कारण लाखों का नुकसान हुआ है। आग की खबर लगते ही अफरा तफरी मच गई। लोगों ने कमरे से समय पर परिवार के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं आग पर काबू पाने के लिए नगर परिषद कुकड़ेश्वर की फायर ब्रिगेड को बुलाया। मनासा नगर परिषद के टैंकर आए, लेकिन उनमें भी पानी कम भरा हुआ था। मंगेश संघई ने मनासा नगर परिषद की लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। वहीं घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। मनासा से बद्रीलाल गुर्जर की ये रिपोर्ट।